हेलो मेरे मित्रों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों जेठ के बड़े मंगल के शुभ अवसर पर लखनऊ यानी अवध शहर में कई जगह भंडारे व मेलों का आयोजन हुआ। उनमें से एक है पुराना अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में मेले का आयोजन। आइए तो कैमरे की नजर से देखते हैं कैसा रहा यहाँ का मेला। तो चलिए चलते हैं। मेला हो और वहाँ सजने सवरने का सामान न मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। 30 रुपए के इयर रिंग्स, 100 रुपए का नेकलेस, चूड़ियाँ इत्यादि तो देखने लायक रही। दोस्तों, मेले की असली खूबसूरती तो यही होती है कि छोटी छोटी आपके जीवन की आवश्यक वाली चीजें आपको यहाँ आसानी से मिल जाती हैं देखने को। भगवान की मूर्तियाँ, फ्लावर पॉट इत्यादि सारा सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं ना आप कि वुडन का सामान, बर्तन का सामान आदि इत्यादि यहाँ मेले में मिल रहा है। दोस्तों, वैसे एक बात तो है, जो चीज़ें आप मॉल में लेने जाते हो महंगी महंगी डिस्काउंट पे सेल में, उन्हीं में से कुछ चीज़ें आपको कभी कभी मेले और नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाती हैं। तो कभी ट्राई ज़रूर करिएगा, आपके आसपास कभी कोई मेला लगा हो, कोई नॉर्मल मार्केट हो, तो वहाँ भी जाकर ज़रूर देखिएगा। ओ हेलो, मेले की बात हो और गोलगप्पे ना हो, आई मीन बताते पानी पूरी, इनका नाम तो ज़रूर आता है ना। तो मैंने भी ट्राई किया इन गोलगप्पों को, बहुत टेस्टी थे। बच्चों के लिए मेले में सबसे सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या होता है? झूला, झूले। मेले में बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं झूले, बालून, आइसक्रीम, तो सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिली हैं। तो भारी गर्मी में अगर आप मेला आए हो और गर्मी से परेशान हो, आपने बर्फ़ का गोला ना खाया हो, तो क्या खाया।